हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप ये वीकली कैंडल में देखिए ना, इसे नीचे से रिजेक्शन मिली है और ये बेस पे आके पूरा जो सपोर्ट था ना, उसी पे आके इसने ना वीकली सपोर्ट अपने ऐसा बनाया है। और आप देखिए, लास्ट टाइम ये हैमर जब बना था ना, तो उसके बाद देखिए कितनी शार्प रैली हुई थी। तो ये अभी नीचे बॉटम पे बना है, इसने एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया है और तीन बार ट्राई करने के बाद नीचे से विक से रिजेक्शन मिली है। तो ये काइंड ऑफ हैमर इसने बनाया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बेस को, इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर बायर्स में दम होगा, और मेरे को अमेरिकन मार्केट भी थोड़ी ठीक लग रही है। और ये देखिए, ये आपका ना एक रेजिस्टेंस रहेगा ये। तो वीकली चार्ट पे ना, वीकली चार्ट पे ये टारगेट मेरे को लग रहा है आने वाले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में। और एक, मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो ये आपकी सप्लाईज होगी, सप्लाई होगी। और एक ही हफ्ते में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर वाला जो हाई है उसको टच करे। तो वो डेली पे आपको अगर आप देखेंगे ना, तो रूम अच्छा लग रहा है ऊपर जाने के लिए। डेली पे देखेंगे ना, ये काइंड ऑफ इसने मॉर्निंग स्टार भी बनाया है बॉटम पे जाके। ये देखिए, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है, डोजी मॉर्निंग स्टार। तो ये भी बॉटम पे बनाया है, तो इसकी ये भी है वीकली में, हैमर भी दिख रहा है और सपोर्ट पे भी है, वीकली की सपोर्ट पे भी है। अमेरिकन मार्केट भी थोड़ा पुल बैक लेंगी और ये मार्केट भी पुल बैक ले सकती है। तो ये सपोर्ट देखो, इसने ये सपोर्ट रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है। इस सपोर्ट से रीटेस्ट करते सार ही ये एक इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है, जिसने ये देखो यहीं पे आपके इसने ना कैंडल को क्लोज़ किया है। तो इसके ऊपर जैसे ही ये थोड़ा सा गैप अप खुलता है, तो ये ब्रेकआउट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो ये पहला टारगेट आपका रहेगा। दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। ये अराउंड 40,000 के आसपास है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 40,000, 40,000, 100, 200, ये प्रिसाइसली 40,000 नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 50 हो सकता है। और ये अल्टीमेट टारगेट है जो वीकली में दिखा रहा है। ये लाइन को, ये जोन को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर अमेरिकन मार्केट स्टेबल रहती है, तो अमेरिकन मार्केट ने भी पुल बैक लिया है और हमारी मार्केट भी पुल बैक ले सकती है। तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि आप मंडे को या आने वाले दिनों में कैसे काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये गैप अप खुल के साथ सब नीचे क्लोज़ हो रहा था। तो फर्स्ट ऑफ था, ये देखो गैप अप खुला और हाई पे ब्रेक किया। ये इसकी एक रेजिस्टेंस चला आ रहा था, देखो इसने रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया है। और ये एक इसने सपोर्ट बनाया है और ये एक छोटा सा इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस कल के दिन में, या सॉरी मंडे के दिन में टूटता है ना, थोड़ा सा गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के टूटे, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सीधा भागा है। तो गैप अप खुल के ये थोड़ा सा, मतलब नीचे डीप थोड़ा करेक्शन ले सकता है। और ये आपका पहला टारगेट रहेगा। और अल्टीमेट टारगेट आपका जो होगा, ये ऊपर वाला जो गैप आपको दिख रहा है ना, लेट मी जूम आउट, कहाँ गया, हाँ ये जो ऊपर का, ये एक, ये यहाँ, अगर ये यहाँ पे अगर खुलता है ना, तो शॉर्ट मेरे को वो साइडवेज डे लग रहा है। देखिए जैसे पीछे साइडवेज है ना, तो अगर ये गैप अप भी खुलता है तो ये सस्टेन करेगा मेरे को लगता है। और ये करते करते ना, ये सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है, बट ये गैप अप को ना सस्टेन करेगा मेरे को लगता है। और अल्टीमेट टारगेट आपका ना ये रहेगा, जो आपकी ऊपर की लाइन दिख रहे हैं ना, ये अल्टीमेट टारगेट रहेगा। तो इसको ये रीटेस्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे को लग रहे हैं ये गैप को फिल करेगा, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी ठीक है। अगर कोई ऑल ऑफ सडन ऐसी न्यूज़ आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो मतलब वो केस हम नहीं, मतलब डिस्कस कर सकते, क्योंकि न्यूज़ बेस तो कुछ भी आप ना ट्रेड कर सकते हो ना कुछ। बट मेरे को नहीं लग रहा, जैसे ये बेस बना रहा है तो सब पुल बैक मार्केट ले चुकी हैं, हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नहीं लिया है। तो मेरे को लग रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है और लास्ट स्विंग नहीं तोड़ रहा, आप शॉर्ट मत कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।